सूरत के अमरोली स्थित अंजनी इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक दंपति के खिलाफ कपड़ा निर्माता के यहां 23,14,000 रुपए की ठगी करने का मामला दर्ज किया गया है। दिसंबर 2020 में 23,14,000 का ये कपड़ा खरीदकर आज तक पेमेंट का भुगतान किए बगैर दुकान बंद कर अंडरग्राउंड होने वाले दंपति व दलाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। अमरोली में अंजनी इंडस्ट्रियल एस्टेट में किया इंटरनेशनल नामक कपड़ा फैक्ट्री के मालिक अंकित मोहन मोदिया वर्ष 2020 के सितंबर महीने में दलाल धर्मेश मणिलाल बेलवान के संपर्क में आए। रिंग रोड स्थित मिलेनियम मार्केट में आरके फैशन के नाम पर कारोबार करने वाले दंपति अरविंद उर्फ अतुल भगवान वगासिया और उनकी पत्नी चेतन वगासिया से उनका परिचय कराया गया। धर्मेश को समय पर भुगतान का आश्वासन देते हुए अंकित ने रुपये 19,55,000 रुपए का ये ग्रे कपड़ा अरविंद को बेचा गया और उसका भुगतान भी समय पर किया गया। दिसंबर 2020 के महीने में 23,14,000 रुपए का ये कपड़ा खरीद गया। वगासिया दंपति ने रातों रात दुकान बंद कर दी और आज तक बिना भुगतान किए भूमिगत हो गए। इसके बाद अंकित ने दंपति और दलाल धर्मेश के खिलाफ अमरोली पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई।